Hello, students. Welcome to biology class. Okay, students, today we will cover our last topic from this chapter that is nutrient elements in plants. Plant nutrients are the elements that are required for life, growth, and reproduction of plants. Without them, plants cannot grow properly.

अच्छी ग्रोथ चाहिए रिक्वायर्ड लाइफ चाहिए तो हमको ये सब न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अब विदाउट दिस ये जो प्लांट्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकते अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज में डिवाइड कर दिए है माइक माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आर रिक्वायर्ड इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए रहते हैं और इनमें क्या क्या होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर दे इन्वॉल्व पोटेशियम फॉसफरस कैल्शियम मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन ये ये जो ये जो क्या हैं है ये माइक्रो हैं वाइल माइक्रो अब माइक्रो क्या होते हैं जैसे आयरन हो गया जिंक बोरोन कॉपर क्लोरिन मेलिबनम एंड मैगनीज आर रिक्वायर्ड इन ट्रेसिस अब ये जो माइक्रो न्यूट्रस है वो ट्रेसेस मतलब थोड़े बहुत चाहिए रहते हैं जो कि लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रंस होते हैं ये रिलेटिवली लार्ज चाहिए रहते हैं किसी भी प्लांट को प्रॉपरली ग्रो करने के लिए प्लांट एब्जॉर्ब बोथ माइक्रो न्यूट्रंस एंड माइक्रो न्यूट्रंस फ्रॉम दिस सॉइल अब ये जो प्लांट्स है अभी इनको ये एलिमेंट्स मिलेंगे कहाँ अब ये तो सॉइल से ही मिलेंगे लाइक एनिमल्स प्लांट्स ऑल्सो नीड द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हायर और लेसर अमाउंट ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायर्ड कॉज माल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अब जैसे एनिमल एनिमल्स की तरह वैसे प्लांट्स को भी सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए अगर उनको हमको प्रॉपरली ग्रो करना है अगर उनको वो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली और सफिशियंट नहीं मिलेंगे तो उनको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है इजली ग्रो नहीं करेंगे वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे ठीक है टेबल वन पॉइंट रिप्रेजेंट फंक्शन एंड डिफिशियंसी सिम्टिस न्यूट्रेंट्स अभी जो टेबल है इसमें डिफिशियंसी सिम्टम्स दिया गया है न्यूट्रिएंट्स का अब डिफिशियंसी डिसऑर्डर इन प्लांट्स सबसे पहले नाइट्रोजन ये माइक्रो न्यूट्रेंट है मतलब ये लार्ज अमाउंट में चाहिए मेजर कॉन्सिटेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन्स ये मेजर कॉन्सिटेंट है सारे प्रोटीन्स का असेंशियल फॉर प्लांट सेल डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और प्लांट के सेल डिवीजन में भी असेंशियल होता है फोटोसेंथिसिस में इन्वॉल्व होता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इसमें कहते हैं विटामिनस होते हैं हेल्प्स इन प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जनरल येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स रेस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ एन लाइट ग्रीन ओके अब अगर इसमें डिफी ये ये क्या है ये रोल है प्लांट में नाइट्रोजन का अगर इसमें डिफिशियंसी होगा अगर किसी भी प्लांट में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो जो प्लांट है वो येलोइश येलो येलो टाइप का होने लग जाएगा ठीक है फर्टिलाइज़र सोर्स विद वर्ड्स अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया मेन्योर कैन ऑल्सो बी यूज अब इनकी जगह अगर नाइट्रोजन में हम कैसे मिल सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया यूज़ करने से हमको प्लांट्स में प्रॉपर नाइट्रोजन मिल जाएगा अनदर वन इज फॉस्फोरस ये भी एक माइक्रोन्यूट्रंट है इन्वॉल्व इन बिटर लाइफ प्रोसेस प्लांट्स अचेस फोटोसेंथिस रेस्परेशन सेल डिविजन एक्सेट्रा इन सब में ये इन्वॉल्व होता है इन्हेंस रोड फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ग्रोथ में काम आता है क्वालिटी ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल की इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी को सीड फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है फैस्ट एंड मेचोरिटी में ये रिक्वायर्ड होता है अब डिफिशियंसी अगर ये नहीं होगा तो क्या डिफिशियंसी हो गया टिप ऑफ द लीव लुक बर्न जो लीफ की जो टिप होती है वो बर्न टाइप की शो होगी पर्पल एंड रेड स्पॉट ऑन दी लीव्स में पर्पल और रेड स्पॉट आपने देखे भी होंगे कुछ कुछ लीव्स में पर्पल डॉट्स होते हैं तो इट मीन्स डैट उस प्लांट में उस प्लांट में फॉस्फरस की कमी है फर्टिलाइजर सोर्स अब कहाँ से मिल सकता है ये विद दि बर्ड फॉस्फेट और बोन फॉस्फेट और बोन से हमको ये मिल सकता है पोटेशियम हेल्प इन ब्रेक डाउन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टार्च ठीक है ब्रेकडाउन करना स्टार्ट फू ब्रेकडाउन करने के काम आता है रेगुलेट्स दी क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग के लिए ये पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है विटल फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए होता है इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंस जो भी अगर प्लांट्स में डिजीज है उसको रिजिस्ट करता है ये पोटेशियम अगर ये कम होगा तो ओल्डर लीव्स में विल्ट लुक बर्न जली हुई टाइप की दिखेंगी लीव्स एकदम सूखी होगी येलोइंग ऑफ वेन्स बिगेन एट द बेस ड्यू टू इनसफिशिएंट क्लोरोफिल फॉर्मेशन जो वेन्स हैं अब वेन्स तो पता ही है ना लीव्स के अंदर वेन्स होती हैं ये जो वेन्स हैं ये येलो ही होने लग जाएंगे इसमें जो क्लोरोफिल फॉर्मेशन इनसफिशियंट है द विद दर्थ पोटेशियम पोटेश से ये हमको फर्टिलाइजर सोर्स मिल सकते हैं कैल्शियम फॉर्मेशन ऑफ नट्स एंड पीनट्स के लिए रिक्वायरमेंट होता है स्टिमुलेट्स माइक्रोबियल एक्टिविटी पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रेंट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में ये रोल प्ले करता है प्लांट्स में अगर ये कैल्शियम नहीं है तो न्यू लीव्स ऑफ द टॉप ऑफ द प्लांट आर डिस्टॉर्टेड एंड इेगुल इरेगुलर शेप्ड अगर ये कैल्शियम कम है प्लांट में किसी में भी तो वो जो प्लांट के में जो लीव्स आएंगी वो इरेगुलर शेप की आएंगी प्रॉपर नहीं आएंगी अच्छे से ब्लूजम नहीं हो पाएगा विद द वर्ड कैल्शियम जिप्सम कैन ऑल्सो बी यूज फर्टिलाइजर सोर्स हैं ये सब जो जो ये हैं जो फर्टिलाइजर सोर्स है वैसे ही मैग्नीशियम है आप इनको रीड आउट कर सकते हो कि मैग्नीशियम क्या है इम्प्रूव द यूज़ एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉस्फरस कंपोनेंट्स ऑफ मनी प्लांट्स एंजाइम्स इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन इन प्लांट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है आयरन का प्लांट में किसकी वजह से मैग्नीशियम की वजह से इन्फ्लुंस प्लांट्स मेच्योरिटी अगर मैग्नीशियम ना हो तो ऑल द लीव्स डन येलोइंग एट द एज लीविंग एंड ग्रीन एरोहेड शेप इन द सेंटर ऑफ द लीव जो ये प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो येलोइश होने लग जाएंगी ठीक है और जो सेंटर में ना ग्रीन एरो हेड टाइप का शेप बनने लग जाएगा सेंटर ऑफ द लीफ विद द वर्ड मैग्नीशियम मैग्नीशियम सल्फेट कैन बी यूज एज अ फर्टिलाइजर सोर्स सल्फर इज ऑल्सो माइक्रोन्यूट्रेंट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोटीन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एंजाइम्स एंड विटामिन विटामिन एंजाइम्स का डेवलपमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ सल्फर माइक्रोन्यूट्रिय्स हेल्प इन सीड प्रोडक्शन प्रोमोट्स नेडियोल फॉर्मेशन ऑन लिगमेंट्स नेसेसरी इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन जो भी क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है ना उनके लिए ये सल्फर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है यंगर लीव्स टर्न येल्लो समटाइम्स इट फॉलो बाई ऑलडर लीव्स अगर डिफिशियंसी होगी सल्फर की तो जो यंगर लीव्स है ना जो न्यूली लीव्स होंगे वो भी येलो होने लग जाएंगे फर्टिलाइजर सोर्स क्या है विद द बर्ड सल्फेट यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर सोर्स नाउ माइक्रो न्यूट्रेंट्स दिस ऑल आर आर माइक्रो न्यूट्रेंट नाउ इट इज माइक्रो न्यूट्रंस ये ट्रेसिस में चाहिए ज़्यादा नहीं चाहिए जो माइक्रो न्यूट्रंस है वो ज़्यादा चाहिए रहते लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रंस हैं वो ट्रेसेस में चाहिए रहते हैं जैसे बोरोन जर्मिनेशन ऑफ पोल ग्रेन एंड ग्रोथ ऑफ पोलिन ट्यूब पोल ग्रेन और ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब के लिए रिक्वायरमेंट होते है असेंशियल फॉर सीड्स एंड सेल वॉल फॉर्मेशन सीड में जो सेल वो एंड सेल वॉल फॉर्मेशन में ये असेंशियल होता है प्रमोट्स मेचोरिटी नेसेसरी फॉर शुगर ट्रांसलोकेशन Termin, अगर ये डिफिशियंसी होगी तो टर्मिनल बर्ड्स डाई एंड रिजल्ट इन दमेशन ऑफ विच इज टर्मिनल जो बर्ड्स है बर्ड्स की वजह से ही न्यू लीवस जनरेट होते हैं वो डाई हो जाएंगी तो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएंगे विथ दी बर्ड बॉरेक्स एंड बोरेड वी आर गोइंगूज एज अ फर्टिलाईजर सोर्सिस कॉपर कैटलिस वेरियस प्लांट्स प्रोसेस इन्वाल्व इन क्लोरोफिल प्रोडक्शन इम्प्रूव फ्लेवर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल बिकॉज ऑफ दिस कॉपर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो फ्लेवर होता है वो इम्प्रूव होते हैं क्लोरोफिल प्रोडक्शन में भी काम आता है अगर ये कम होगा तो जो डार्क ग्रीन कलर की जो लीव्स हैं वो डार्क ग्रीन होने लग जाएंगी लीव्स आर डार्क ग्रीन स्टंट एंड प्लांट ग्रोथ विद दी बर्थ कॉपर क्यूपरिक एंड क्यूपरेस आर यूज एज अ फर्टिलाइजर सोर्सेस आयरन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है कॉन्सिट्रेंट्स ऑफ प्रोटीन्स कैरीज ऑक्सीजन इन प्लांट्स प्लांट्स से पूरे ऑक्सीजन को कैरी करते हैं सब जगह से इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन एंड ग्रोथ सेल डिवीजन ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है येलोइंग ऑकोन बिटवीन दी वेन ऑफ द यंग लीव्स येलोइंग कलर ऑकर हो जाता है वेन्स में जो भी नई लीव्स हैं उनमें भी अगर आयरन की कमी होती है विद आयरन की यूज एज अ फर्टिलाइजर सोर्स मैंगनीस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वेरे समाइम्स हेल्प इन दॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इंक्रीज द एवेबिलिटी ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम एवेबिलिटी ऑफ पोटेशियम और कैल्शियम को इंक्रीज करता है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है अगर डिफिशियंसी हो तो ये येलोइंग इन लीवस ऑकर बिटवीन द बेन्स ऑफ यंग लीवस पाम फ्रॉड एंड स्टंट आर डिफॉर्म्ड कॉल्ड फ्रीजल टॉप रिडक्शन इन साइज ऑफ प्लाट्स पार्ट प्लाट्स पार्ट लीव शूड ब्रस अपेयरेंस ऑफ डेड स्पॉट्स और पैचे ओके अब अगर मैंगनीज की डिफिशियंसी होगी तो जो लीव्स है अगेन येलो कलर में होने लग जाएंगे रिडक्शन होने जाएगा जो प्लांट्स के जो पार्ट में रिडक्शन होने लग जाएगा शूट में फ्रूट में लीव्स में जो अपियरेंस हो गए वो डेड स्पोर्ट डेड स्पोर्ट्स अपियर होंगे और पैचेस दिखेंगे आपको लिव्स के अंदर विद दी वर्ड मैग्नीज एंड मैग्नीशियस ऑफन रिक्वायर्ड विथ जिंक एप्लीकेशन दिस इज फर्टिलाइजर सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स मैं लिपडनम कॉन्स्ट्रेट ऑफ द इंजाइम दट रिड्यूज नाइट्रेट्स टू अमोनियम इन प्लान एट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिग्यूम न्यूडल्स रिक्वायर टू कन्वर्ट इन ऑर्गेनिक फॉस्फेटर टू ऑर्गेनिक फॉर्म्स अब इसमें क्या क्या रोल है इसका मेलबिनियम का प्लांट में कॉन्टेंट ऑफ इंजाइम्स डेट रिड्यूज नाइट्रेट्स टू अमोनियम इन प्लांट कॉन्स्टिट ऑफ द इंजाइम्स इंजाइम्स को कॉन्सट्रेट करता है जो कि रिड्यूज कर देता है नाइट्रेट्स को टू अमोनीय इन प्लांट एट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिग्यूम न्यूडल्स फॉर्मेशन लिग्यूम प्रेजेंट करता है लिग्यूम बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रिय फॉर्मेशन होता है लिग्यूम न्यूडल का रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये न्यूट्रिय रिक्वायर्ड होता है डिफिशियंसी सिम्टम्स जनरली येलिंग ओल्डर लीव्स एट द बॉटम ऑफ द प्लांट द रेस्ट ऑफ द प्लांट इज ऑफन लाइट ग्रीन बेसिकली डिफिशियंसी क्या होगी जो प्लांट है ना वो ऑफन लाइट ग्रीन कलर में हो जाएगा और जो लीव्स हैं लीव्स वो येलोइंग होने लग जाएंगे फर्टिलाइजर सोर्स क्या का विदर्ड मेलिबडेट एंड मेलिबिक यूज एज अ फर्टिलाइजर सोर्सेज जिंक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स एंड एंजायम सिस्टम प्लांट्स ग्रोथ में हार्मोन्स एंड एंजाइम सिस्टम में को ग्रोथ करने के लिए या फिर प्रमोट करने के लिए हार्मोन्स और इंजाइम्स को ये रोल प्ले करता है न्यूट्रिएंट जिंक न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर क्लोरोफिल प्रोडक्शन प्रोडक्शन क्लोरोफिल के प्रोडक्शन के लिए भी नेसेसरी है नेसेसरी फॉर स्टार्च फॉर्मेशन स्टार्च फॉर्मेशन होने के लिए भी ये रिक्वायर्ड होती है जिंक हेल्प इन सीड फॉर्मेशन इवन सीड फॉर्मेशन में भी हेल्प होता है जिंक का ट्रेसिस में चाहिए क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लार्जली अमाउंट में नहीं चाहिए हमको छोटे छोटे ट्रेसिस में चाहिए टर्मिनल लीवस में भी रोस्टेड येलोइंग ओकर बिटवीन द वेंस ऑफ द न्यू लीवस विद द बर्ड जिंक एज अज एज अ फर्टिलाइजर सोर्स मोस्टली डिफिशेंसी बेसिकली लीव्स में हो जाती है लीव्स ग्रीन लाइट ग्रीन हो जाएंगी या फिर येलो हो जाएंगी डार्क ग्रीन हो जाएंगी या स्पोर्ट्स आ जाते हैं इन्हीं जो माइक्रोन्यूट माइक्रो न्यूट्रंस की वजह से जो प्लांट्स में लीव्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन्हीं न्यूट्रेंट्स की वजह से ही होती है Okay, students, now we discuss question answers. This is the assignment which I already sent you on 7th of April 2020. In previous assignment, we discussed up to question number 11. Today, we will start question number 12. Write the difference between parenchyma, colon and sclerenchyma. What difference we already discussed about this? Parenchyma, almost all parts of प्लांट में प्रेजेंट होते हैं ये एपिडर्मिस बिलो द एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं ये स्टेम और वेन्स में प्रेजेंट होती है स्किल एंड शेप क्या होता है ओवल शेप का होता है स्पेरिकल सिलेंड्रिकल और ये सर्कुलर ओवल एंड पॉलीगोनल शेप वेरिएबल शेप शेप इसका चेंज होता रहता है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसा है सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग जो सेल होते हैं इस टिश्यू में वो लिविंग होते हैं दे हैव थिन सेल वॉल विथ इंटर सेलुलर स्पेस दे हैव प्रोमिनट न्यूक्ई इन लार्ज सेल वॉक्यूल्स ओके जो सेल होते हैं इस टिश्यू में वो लिविंग होते हैं थिन सेल वॉल्स होते हैं इंटर सेलुलर स्पेस होता है उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्आई भी प्रेजेंट होता है और लार्ज सेल वॉक्यूल भी होता है पेरनकाइमा में इसमें सेल ऑफ दिस टिश्यू लै इंटर सेलुलर स्पेस कम होता है थिक्कर प्राइमरी सेल वॉल्स जो प्राइमरी सेल वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं दे आर थिक एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलस पैक्टीन और सेलुलस की प्रेजेंसेंस की वजह से जो सेलवॉल्स होते हैं वो थिक होती है सेल ऑफ दिस टिशू आर डेड एंड लैक प्रोटोपलाज टिशू जो होते हैं वो बेसिकली सेल में सेल जो होते हैं टिशू में जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं और लैक प्रोटोप्लाज्म होते हैं जिनकी वजह से दे हैव थिक एंड सेलवॉल अराउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगनिंग प्रेजेंट होता है इनमें जिनकी वजह से जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है इसकी भी सेल वॉल थिक होती है क्योंकि पैक्टिन और सेलुलर प्रेजेंट होता है इनकी सेल वॉल थिन होती है और इंटरसेलुलर स्पेस होता है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है फंक्शन फूड स्टोर करता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है पैरन कायमा सेल विद क्लोरोप्लास्ट इन दिस हेल्प इन फोटोसेंथिसिस में हेल्प करता है अब जो पैरन कायमा में मैंने बताया था कि क्या प्रेजेंट होता है लार्ज सेल वैक्यूल प्रेजेंट होता है क्यों प्रेजेंट होता है क्योंकि फूड को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होती है इसीलिए इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है अब कॉलन कैमा में हमको वैक्यूल की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है क्योंकि इसमें इसका फंक्शन क्या है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिस इज स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू ग्रोइंग स्टेम एंड लीव्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फंक्शन क्या होता है गिव मकेनिकल स्ट्रेंथ टू द स्टेम ऑफ द प्लांट मकैनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट की स्टेम को दैट इज आयलम एंड फाइलम डिफरेंस बिटवीन ज़ाइलम एंड फाइलम द टिश्यू हेल्प इन कंडक्शन वाटर फ्रॉम द रूट टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बेसिकली वाटर कंडक्ट करता है ये टिश्यू और ये फूड कंडक्ट करता है इट इज मेड डेड सेल से बना हुआ रहता है ये लिविंग सेल से प्रेजेंट बना हुआ रहता है जैलम पैरेंट काइमा सिर्फ एक ओनली लिविंग कंपोनेंट होता है इस टिश्यू में और ये लिविंग सेल से बना हुआ रहता है और इनमें प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है ये टॉकर ऑन द इनर साइड ऑफ़ दू वस्कुलर बंडल वस्स्कुलर बंडल के इनर साइड में होता है और ये वस्कुलर बंडल के आउटर साइड में होता है दिस आर द डिफरेंस बिटवीन जैलम एंड फ्लेम टिश्यू नो डिफाइन ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम द रीजन टू हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन स्विमिंग परमेबल डी ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा प्रोसेस ऑफ जिसमें मॉलिक्यूल जैसे वाटर हो गया वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसको कि अगर प्लांट को सॉइल से वाटर चाहिए अगर सॉयल का कंसंट्रेशन हाई है और प्लान का लो है तो हाइयर से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगा तो वो कौन से प्रोसेस से जाएगा वाटर ऑस्मोसिस तो प्रोसेस से जाएगा दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं ठीक है डिफाइन डिफ्यूजन वट इज डिफ्यूजन डिफ्यूजन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन अब इसमें जो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ ठीक है दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम सॉयल टू रूट हेयर तक जा रहे हैं सॉइल से रूट हेयर में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन वट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स आयन रीजन फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मूवमेंट है जिसका जो मिनरल आयंस है ना वो लोअर से हायर की तरफ जाता है डिफ्यूजन में हायर से लोअर जाता था अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है उसको बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट मिनरल्स इंटू रूट हेयर मूवमेंट ऑफ मिनरल्स आय फ्रॉम सॉयल टू रूट सॉयल से रूट की तरफ मूवमेंट हो रहा है मिनरल्स का लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ वट इज़ द मूवमेंट ऑफ फूड डायरेक्शन जयलम और फ्लेम में फूड डायरेक्शन के मूवमेंट कैसे होता है फूड इन फ्लेम कैन मूव इन अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन वेर इज वाटर इन जायलम मूव ओनली अपर डायरेक्शन जो फूड है बेसिकली जो फूड है कहाँ पर प्रिपेयर होता है लिप्स में होता है तो वो अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में मूव करते हैं लेकिन जो वाटर है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है वाट इज एसेंस ऑफ सेप एसेंस ऑफ सेप क्या है अपवर मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अप टू द दीव थ्रू जाइलम इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप अब जो अपवर मूवमेंट होता है वाटर का या मिनरल्स को अपवर मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप बोलते हैं वो किसके थ्रू होता है जाइलम के थ्रू मूव करते हैं उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप वाट इज ट्रांसपीरेशन पुल ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है ड्यू टू कॉन्स्टेंट इवोपरेशन फ्रॉम द लीव्स, अ सक्शन फोर्स इज डेवलप विच कॉस इज सकिंग अप वाटर अपवर्ड इन जायलम वेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन पुल अब कॉन्स्टेंट इवोपरेशन होता है लीव्स में लीव्स में इवोपरेशन होता है आपको पता है इस एक सक्शन फोर्स डेवलप होती है जिसकी वजह से सकिंग अप ऑफ वाटर अपवर्ड इन जायलम वैसे जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो सक होता है अपवर डायरेक्शन में इनजायलम वैसे उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल कॉन्स्टेंट इवेपोरेशन की वजह से लिप्स में एक सक्शन फोर्स डेवलप होता है जिसकी वजह से जो वाटर है वो अपवर डायरेक्शन में मूव करता है इन इनजायलम वैसे इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल राइट अ शॉर्ट शॉर्टनट ऑन ट्रांसपीटेशन ट्रांसपीरेशन के शॉर्टनट कहता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन जो वाटर का लॉस होता है किस फॉर्म में होता है वाटर वेपर के फॉर्म में होता है कौन से पार्ट में होता है एरियल पार्ट मतलब अबव के प्लांट का जो ऊपर का पार्ट होता है एरियल पार्ट होता है जैसे लीव्स हो गया शूट हो गया वहाँ से वाटर क्या होता है लॉस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन ये बेसिकली थ्री टाइप्स में होता है स्टोमेटल कैटिकुलर एंड लेंटिकुलर स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव अगर लीव्स के थ्रू वाटर इवोपरेट हो रहा है टेकिंग प्लेस थ्रू द स्टोमेटा स्टोमेटा से उसको बोलते हैं ट्रांस स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कैटिकुलर मतलब वेन द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीव्स एंड हर्बिशियस स्टेम अगर लीव्स की सरफेस से डायरेक्टली इवोपरेट हो रहा है वाटर उसको हम बोलते हैं कैटिकुलर ट्रांसपरेशन लेंटिकुलर एंड बार्क ट्रांसपरेशन क्या होता है जो वाटर का इवोपरेशन थ्रू लेंटिकल्स एंड बार्क जो वुड होती है ना वहाँ से अगर ट्रांसपरेशन होता है उसको लेंटिकुलर एंड बार्क ट्रांसपरेशन बोलते हैं इन हाउ मनी कैटेगरीज द न्यूट्रंस आर डिवाइडेड न्यूट्रंस कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है टू कैटेगरीज में वट आर दे माइक्रो न्यूट्रंस एंड माइक्रो न्यूट्रंस जो माइक्रो न्यूट्रंस होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए जैसे कि आयरन जिंक बोरन कॉपर क्लोरिन मेलब्रीन एंड मैगनीज आर रिक्वायर्ड इन ट्रेसेस और जो माइक्रो न्यूट्रंट्स हैं वो कौन से होते हैं ये सब होते हैं माइक्रो न्यूट्रंस ये हमको क्या चाहिए कम चाहिए ट्रेसेस में चाहिए लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रंस होते हैं वो हमको ज़्यादा चाहिए जैसे कि हो गया नाइट्रोजन हो गया ठीक है ये सब हमको ज़्यादा चाहिए ओके स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर ओके थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे